Welcome to another vlog, guys. What's up? Welcome to MPAK. So today we are at the Delhi Airport Terminal 3 IGI, and after emotional, you know, goodbyes of the family, I'm here and I have done my check-in. This is all about the All Nippon Airlines. मेरे पीछे पूरी आइल है ऑल निपॉन की. मेरी इकोनॉमी क्लास है एंड विद मी देर आर थ्री अदर फोक्स जिनको ऑनलाइन ही मैं मिला था UCW के लिए. सो विल बी गोइंग टुगेदर. पहला स्टॉप होगा टोक्यो. वहाँ का एक अलग ब्लॉग आएगा. ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ से मेरी जर्नी टू वैंकूवर. सो मज़ा आ गया यार, अच्छा था. जो चेक इन था बिल्कुल स्मूथ था, एकदम कोई टेंशन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं पूछा. मेरा कुछ ओवरवेट था भी नहीं, बाय द वे 23.5 थे एंड इट वर्क्स. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई थिंक आई विल मीट यू इनसाइड. अभी सिक्योरिटी चेक इन करेंगे एंड उसके बाद बताऊंगा कि अंदर क्या कर सकते हो और क्या करना है. मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की और अभी 3 बज रहे हैं. सो 3 बजे के पहले पहले मैंने यहाँ पे चेक इन करवा लिए, बोर्डिंग पास ले लिए. अभी सिक्योरिटी चेक इन करेंगे, आगे इमिग्रेशन का प्रोसेस एंड देन विल सी. भाई हो गया इमिग्रेशन डन. Hey guys. आयुष्मान यार. पहला दोस्त पहला दोस्त जिसे फन किया. अनंत और पंकज है ना अंदर? पंकज है. अनंत और पंकज अंदर है. पंकज का नहीं हुआ था, पंकज की बाहर गया है. क्या पंकज अंदर नहीं है? पंकज अच्छा हाँ, वो कहाँ गया? वो बोल रहा था चार्जेबल है, वो पता नहीं कि निकल गया था. हमें वो वॉशरूम गया था उस टाइम. पंकज भाई गुम हो चुके हैं. गुम हो गया भाई. अनंत भाई अंदर हैं और आयुष्मान और मैं यहाँ पे हैं. इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई? ना भाई, कुछ दो मिनट हो गया. इमिग्रेशन भी, सिक्योरिटी चेक भी, सब कुछ. और लगेज के लिए आप वीडियोस देख लेना, सेम लगेज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. इनने नहीं देखी थी, इनको दिक्कत आ गई. मेरे बाद में पता चला आपने बनाई है ऐसी वीडियोस. बाकी एयरपोर्ट पे घूम सकते हो. आई थिंक 1.5-2 घंटा तो आराम से टाइम पास हो जाता है. 1-2 घंटे की कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा तो लॉन्च है. बट चेक कर लेना मेरे पास लॉन्च का ना, अपना अपना क्रेडिट कार्ड लेके आना भाई. HDFC का बेस्ट है. HDFC का बेस्ट मिलेनियम करके जो आता है एक. हां HDFC का मिलेनियम ना, मेरा ICICI का था, वो यहां पे नहीं चला. डोमेस्टिक चलता अगर आपका तो यहां पे नहीं चलेगा, अलग अलग है. वो देख लेना एक बार. तो बाकी अब हम जाएंगे बोर्ड करने फ्लाइट, उसके बाद दिल्ली बॉयज बनेंगे अंदर फ्लाइट के अंदर. ओके गाइस, बोर्डिंग होगी एंड अगेन स्मूथली होगी सारी. मेरे साथ सेकंड पर्सन जो गुम हो गए थे अनंत, अब आ गए. भाई फोन नहीं उठा रहे थे, पता नहीं ना धो रहे थे लॉन्च में ये. Using it to the full extent. Yes, indeed. और अभी हम वेट कर रहे हैं. We are waiting for क्या नाम? आयुष्मान? अभिनव? आयुष्मान. अभिनव? आयुष्मान. भाई नाम में दिक्कत आ रही है अभी याद करने में. चल रहे ना सारे नाम? सभी ऐसे हैं, बस एक पंकज भाई हैं वो जो गुम हो गए. पंकज भाई गुम ही हो गए. बाहर मिले थे हमें लॉन्च के. हाँ, व्यू, लास्ट व्यू ऑफ इंडिया देख लो भाई. टर्मिनल 3 थोड़ा सा ऊपर से दिखा दो पहले लोगों को, फिर बात करते हैं. स्टार्टिंग से बोलियो मतलब यार, देखो भाई दिल्ली. अरे यार रह गया एक 30 सेकंड पहले तक दिखा था सिर्फ बादल. बादल इंपॉर्टेंट है. बादल इंपॉर्टेंट है. वो माइक है, रुक मैं बात करता हूं थोड़ा सा. नहीं तो अब बताओ क्या कह रहे थे, कौन सी हुआ क्या, कौन सा सान 10 का 20 का? तो अगर आपको जापानीज में कहना है तो यू विल से कोनिचिवा मीना सान ओगेंकी देस का. ओगेंकी देस का. ओगेंकी देस का. मैं 2-20 का. हां मैं 2-20 का. ये देगा 20 का, ये देगा 10 का, ये देगा 20 का. मैं नहीं देगा, मैं कुछ नहीं देगा भाई. जाकिर खान फैंस है गए यहाँ पे. कुछ देखो, बादल जरूरी है. बादल तो बहुत जरूरी है भाई. बहुत बहुत सारे लोग मेरे को पता नहीं लेजेंड बोलेंगे या गाली देंगे, पर मैंने विंडो सीट छोड़ी अपनी. किसके लिए? 10 का और 20 का के लिए. पर मैं सेंटर में बैठा हूँ भाई, मैं सेंटर में बैठा हूँ. सबसे बड़ी बात पर ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है. मेरे पास अपना पिलो है. ये लो ऑन एनर्जी है, ये सो जाएगा. ये हाई ऑन एनर्जी है तो कुछ तो करता रहेगा. ले लेना विंडो सीट. ये कह रहा है कि जब ये सो जाए तो उसको जगा देना. हाँ इसने बोला है कि मैं सो जाऊं. इसको इसको सिखाया नहीं घर वालों ने कि अब तुम दूर जा रहे हो, अब तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा.
बाहर की सीन भी दिखा भाई। इसको सिखाया नहीं कि लोग हरामी होते हैं, अगर हम ही निकले वो तो बरो बनिया भाई प्रॉपर तो वो बनिया, वो भी सही बात। ऐसी बातें भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, हमने कहा इंडिया में रहते रहते कर लेते, वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ अलग ट्रीट करेंगे, वहाँ पे तो नहीं बोल सकते बनिया वो। We are not so sure. और भाई प्राइड मत चल रहा ना, ऐसे कुछ सुनने में वहाँ पे न्यूज़लेटर आया था ना कॉलेज का। हाँ वो people are associating themselves as non-humans also, तो किसी को human भी नहीं बोल सकते। क्या ये Mars क्या है क्या? Non-humans? ऐसा हो रहा है? हाँ भाई फिर क्या हुआ थोड़ी देर में ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं भाई ज्यादा ही पढ़ लेते हो ना, और इंट्रोवर्ट जैसे रहते हो ज्यादा ही पढ़ लिया, अब क्या करो इतना दिमाग तुम में है दूसरे में है नहीं लेने की, हम सीधे सीधे ही चलते हैं। मैं कोई बोलेगा आई एसोसिएट माय सेल्फ एज अ टेबल, मैं उसके ऊपर डिनर करूंगा। सुशी खाएंगे ऊपर उसके टेबल के ऊपर, क्या करते हो डिनर? हाँ अमर दिन लिखते हैं पढ़ते हैं वो तो हमने करना ही। उसका भी लोग करेंगे फिर उससे सब पूछेंगे भाई व्हाट आर प्लेसेस टू विजिट इन टोक्यो। भाई वो मस्त मगन है अभी वो, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही देख रहे हैं, और एक चाय की तलब हो रही है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आदमी इतनी बादल की वीडियो बना के डिस्क्राइब कैसे करेगी, इंडिया के बादल थे कि कनाडा के बादल? पासपोर्ट लेके घूम रहे भाई। ऑल निप्पॉन एयरलाइंस का खाना भाई, इसको चॉपस्टिक्स यूज करनी आती है। हाँ भाई सिखाओ, हो गया होता सिखाओ सिखानी है। हाँ देख भाई ये तो पहली वाली तो पेंसिल की तरह है, ठीक है ऐसे, ठीक है नॉर्मल, ठीक है ठीक है। ये वाली ना इसको ऐसे करते, मतलब ये भी एक पेंसिल है बट ये तेरे नीचे पकड़ी है ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। एक ऐसे पकड़, एक ऐसे पकड़, ये पॉइंट ऐसे मिला दे, मतलब अप्रोक्स ऊपर चालू हो जाए ऐसे ऐसे करके। जिसको समझ आ गई वो अब से चॉपस्टिक्स यूज करो, जिसको नहीं आई वो फिर ऐसे करके फोर्स ऐसा करना कि पॉइंट इस पे लगे, मतलब ऐसे नहीं कि बस इसको दबाना है, इधर दबाना है। तो ये थोड़ी गंदी है, ये अच्छी है। देखो वेज वेज में ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ, और चावल भी थे इसमें, बीच चावल थे कुछ थे, भूख लगी थी खाने में। और मेरी तरह जो नहीं मंगवाते पता नहीं मेरी मील क्यों नहीं ऐड हुई फिर बाद, लेकिन लेकिन हाँ बहुत बहुत अच्छे हैं यार बाद में मेरे, हमारा तो घटिया। हाँ तो एक ही हमारे को भी ऑप्शन मिलता है बट ऑनलाइन मिल जाता है, हम लोग जल्दी करते हैं या फिर हमको पता नहीं। जब पूछने आए थे भाई कि क्या खाओगे वेज या नॉन वेज, अगर वेज मील खत्म हो जाती है तो ऑफर ना करते भाई, हमें ऑप्शन मिला था फिर ऑफर ना मिलता है जो सही सही है कुरेज कुरेज दिन, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टी वही होता है चावल में है ना। तो ये है थोड़ी सी नॉन वेज की, क्या है खोला जाए खोला जाए। ओ भाई बहुत अच्छा है, बाद में देखेंगे कौन नहीं अब तो कौन नहीं। चिकन है ये तो पूरा पूरा प्रोटीन है, फुल ये मेंस चिकन और मुर्गी और बाकी ये चकना 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 और
दारू हमारे पास है नहीं, पर चकना बहुत सारा है। Finally guys, Vancouver and I got my study permit, but I easily कुछ भी नहीं पूछा मेरे से तो, not a single question, सिर्फ आपसे letter of introduction भी नहीं लिया मेरे से तो, बस सीधा उन्होंने passport लिया और study permit issue कर दिया। So very smooth experience and अब चल रहे हैं भाई सरी में रहेंगे थोड़ी देर, देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय, कनाडा।